हमारे ये मौजूदा दौर में जहां हमारा देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक नब्ज को टटोलते हुए आज अपना चौथा बजट देश के समक्ष पेश किया। नागपुर के हमारे चुनिंदा वित्तीय विश्लेषकों की नजर में इस बजट में क्या मायने हैं और कैसा होगा हमारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट, आइए जानते हैं वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं सीए जुल्फेश शाह, चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष विदर्भ का। और आज का जो बजट है ये एक विकास को गति देने वाला बजट हम कह सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक घोषणाएं हुई है, खास करके एमएसएमई सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो एमएसएमई काफ़ी तकलीफ में है। एमएसएमई सेक्टर जो 14 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिसमें 6 करोड़ इकाई है, ऐसे एमएसएमई सेक्टर को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का एक्सटेंशन 31 मार्च 23 तक की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने एक सकारात्मक पहल की है। उसी प्रकार सभी सेक्टर्स में सकारात्मक घोषणाएं हुई है। सरचार्ज को कम कर दिया गया है, जो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वेलकम स्टेप है। और कई चीज़ें जैसे कि आपका आयकर रिटर्न वापस अपडेटेड करके 2 साल के भीतर एडिशनल इनकम बताते हुए डाल सकते हैं। तो ऐसी कई घोषणाएं इसमें है। सबसे मेन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स है उसके लिए 35% अतिरिक्त लास्ट बजट से करीब 7,00,000 करोड़ का जो बजट है वो कैपेक्स के लिए दिया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है, जिससे देश और प्रगति की ओर बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा और मेक इन इंडिया जो हमारा सपना है वो ज़रूर सार्थक होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और कुल मिलाकर इस बजट को 10 में से 8 नंबर मैं देना चाहूँगा। धन्यवाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।